बिजनेस आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और कहाँ के रहने वाले? हम कश्मीर से हैं, मागाम टाउन से हैं, एंड एक्चुअली मैं नौ एक गांव से आता हूँ नौगरी, जिसका नाम है विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट पटन। मुझे साइकिलिंग करते हुए ऑलमोस्ट, मैं एक्चुअली बचपन से साइकिलिंग करता था, तो ऑलमोस्ट आई वुड से 7-8 साल हो गए, ऑलमोस्ट अराउंड 7-8 ईयर्स। एक्चुअली बचपन में मैं नॉर्मल साइकिलिंग करता था विच वॉज़ रोड साइकिलिंग, देन इवेंचुअली क्योंकि हम कश्मीर में रहते हैं एंड वी हैव माउंटेंस अराउंड अस, तो इवेंचुअली माउंटेन बाइकिंग का शौक स्टार्ट हुआ आने वाले सालों में, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन माउंटेन बाइकिंग, बिकॉज मेरे दोस्तों की, बिकॉज मैं माउंटेन एज अ माउंटेनियर मैं बहुत पहाड़ों में ज़्यादा था, सो दीज टू थिंग्स काइंड ऑफ मिक्स टुगेदर, तो दोनों चीज़ें मिलकर माउंटेन बाइकिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, जो मैं रिसेंटली मैंने कंपनी ज्वाइन की है एज एन एम्बेसडर स्कॉट स्पोर्ट्स इंडिया की। स्कॉट इज़ एक्चुअली ब्रांड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्विस ब्रांड, जो मेनली दे मेक स्टफ फॉर स्कीइंग, रनिंग एंड रनिंग, ट्रेल रनिंग, बाइकिंग एंड मोटर स्पोर्ट, बट इंडिया में इट्स मेनली मोटर स्पोर्ट्स एंड माउंटेन बाइकिंग, बाइकिंग बेसिकली, वो थोड़ा सा ट्रेल रनिंग का है। तो एज एन एम्बेसडर मेरी जो ड्यूटी है इट्स टू इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को बताना कि वी शुड डू बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, यू नो मोर, ताकि लोग भी इसकी तरफ, यू नो बाकी एक्टिविटीज़ को, बाकी कामों को छोड़ के वो थोड़ा सा फन के लिए, लेजर के लिए वो माउंटेन बाइकिंग को चूज़ करें, या नॉट ओनली माउंटेन बाइकिंग, साइकिलिंग, बिकॉज हमारे कश्मीर में आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारे पासेज है, माउंटेन पासेज है, हमारे यहाँ पहाड़ों की कमी नहीं है, तो हम इस स्पोर्ट को बहुत आगे ले सकते हैं। मैंने अभी तक काफ़ी सारे छोटे मोटे एक्सपेडिशन किए हैं और बड़े भी। एज अ माउंटेनियर मेरा सबसे बड़ा एक्सपेडिशन आज तक का था विच वॉज एवरेस्ट, जो मैंने 2019 में क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट। उसके बाद साइकिलिंग के बहुत छोटे मोटे मैं यूजुअली करता रहता हूँ, 200 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स राइड, एंड रिसेंटली मैं बर्फ़ में, स्नो स्टॉर्म में गुलमर्ग गया था अपनी स्कॉट साइकिल पे, स्केल 950-940। मैं गांव में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से ही पहाड़ों का शौक था, और जो मेरे गांव में थे पास में ही पहाड़ थे तो मैं जाता रहता था, देन व्हेन आई मूव्ड आउट टू द सिटी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो और शौक बढ़ा और मैंने इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ किया, और अभी मैं इसको एज अ प्रोफेशनली मैं इसको इस सब को कर रहा हूँ। आने वाला शेड्यूल है, मेरे कुछ प्लान्स है, आई विल बी गोइंग टू होपफुली लेह ऑन द माउंटेन बाइक, आई विल बी गोइंग टू किश्तवाड़, एंड और भी जो आने वाले प्लान्स हैं बाकी जहाँ भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मोस्टली आई विल बी डूइंग समथिंग इंडिया से बाहर। आई हैव अ प्लान, आई विल बी राइडिंग अराउंड न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क, सो आई विल बी डूइंग सम राइड्स देयर एज़ वेल। ये मैं एक प्रोफेशनल स्नोबोर्डर भी हूँ, तो मैं हर विंटर में स्नोबोर्डिंग करता हूँ, ये मेरा, वो भी मेरा प्रोफेशन है, और इस साल मैंने स्नोबोर्डिंग को साथ साथ लेके उसमें माउंटेन बाइक भी ऐड की, विच इज़ मैं अपनी माउंटेन बाइक पे गुलमर्ग तक गया, वो भी बर्फ में। तो आई वांटेड टू मिक्स दीज टू थिंग्स, ताकि मैं और लोगों को दिखाऊं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, चाहे बर्फ हो, बारिश हो, आप बाइकिंग कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्कॉट स्केल 940 पे गया, आई पुश्ड माय ओन लिमिट्स एंड आई मेड इट। जब मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ तो आई मोस्टली डू, मैं अपना सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ टू इंस्पायर पीपल, टू प्रमोट द ब्रांड, टू प्रमोट द एक्टिविटीज़ जो मैं करता हूँ, और लोगों को मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि वो भी सब एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले, वो भी इफ़ दे वॉन्ट टू बी हेल्दी, दे वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, दे वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी मेंटल हेल्थ, दे शुड गो इन टू दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट। इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है, बिकॉज मैं मानता हूँ कि एडवेंचर इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हें गियर चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें बाकी सब चीज़ें चाहिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मी दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़। और स्पेशली जब हम अपने कश्मीर की बात करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके इर्द गिर्द सब कुछ है, आप बहुत एडवेंचर कर सकते हैं। अगर आप माउंटेन बाइकिंग नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट हाइकिंग तो कर सकते हैं, आप छोटा मोटा एक वॉक तो कर सकते हैं, आप बाहर तो जा सकते हैं। अगर आप माउंटेन बाइकिंग नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप रोड साइकिलिंग तो कर सकते हैं, रोड पर कम से कम साइकिल तो चला सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वी शुड नॉट गिव एक्सक्यूज, वी शुड स्टार्ट, यू नो, गेटिंग आउट। मेरा जो सपोर्ट रहा है फैमिली का, इनिशियली टू बी ऑनेस्ट नहीं था उतना, बट इवेंचुअली दे ऑल्सो रियलाइज कि दिस इज़ माई थिंग, मुझे इसी से प्यार है, मुझे यही अच्छा लगता है करना, एंड क्योंकि फिर मैंने इसको इवेंचुअली एज अ प्रोफेशन डेवलप किया, तो उनका सपोर्ट है, फ्रेंड्स का ऑलवेज हमेशा सपोर्ट था, क्योंकि फ्रेंड्स ने ही मुझे बहुत हेल्प की है। मैं फ्रेंड्स के साथ ही जाता था, लाइक साइकिलिंग हो, माउंटेन बाइकिंग हो, हमारा शंकराचार्य है तो हम जाते रहते हैं, और अभी भी वो चलता रहता है।
डाइट की बात करें, एज यू सेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट। तो डाइट का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। वो कहते हैं ना कि उतना ट्रेनिंग पे डिपेंड नहीं करता जितना आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। सो माय डाइट इज मेनली वेरी हेल्दी, आई ईट हेल्दी, आई नॉट ईट जंक और एनी फास्ट फूड। स्कॉट स्पोर्ट्स का कैसे हुआ कि मैंने, बिकॉज स्कॉट स्पोर्ट्स इज अ वेरी वेल रेप्यूटेड ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, तो मेरा भी एज अ माउंटेन बाइकर, एज एन एडवेंचर, मेरा भी ड्रीम था कि मैं उनके साथ एसोसिएट हो जाऊँ। सो आई रीच्ड आउट टू देम, तो फिर उन्होंने मेरी हिस्ट्री देखी, उन्होंने मेरी एक्टिविटीज़ देखी, पुरानी अचीवमेंट्स देखी, एंड दे ऑल्सो हैड एन इंटरेस्ट, एंड देन वी स्टार्टेड दिस एसोसिएशन, एंड इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव कंटिन्यू टू ग्रो टुगेदर। आसान तो सब कुछ है, करने की देरी है।